फैसला के खिलाफ है, आपके साथ है। उन्होंने भी उस वक्त कहा, मैं मानता हूं कि तुम लोहा ले रहे हो अपने पिता के खिलाफ, इतना कुछ करवाने के बाद लड़ाई लगवा दी अपने चमचों के पास। बड़ा आश्चर्य होता है नीतीश जी, हम आपको कल भी बोले थे, एक बार इस मंच के माध्यम से फिर करना चाहिए, आपके जितने भी चमचे हैं जो इर्द गिर्द में जो घूमते रहते हैं, अगले साल मुखिया का चुनाव है, आप नहीं रहिएगा, उसके बाद लोग को मुखिया का चुनाव लड़वा के दिखा देंगे। मुखिया के चुनाव में आपका सब चेला जमाना जब्त हो जाएगा। जब उनसे कहा कि आपने इजाजत नहीं दिया, तब हमको लगा अब हम एक ही बात जानते हैं कि जिन्होंने नीतीश कुमार को बनाया है, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप अमित कुमार को आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों ने नीतीश कुमार को बनाया है, अब हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, आप नीतीश कुमार से भी ऊपर है, क्योंकि नीतीश को भी बनाने वाले आप, तो अब हम आपसे पूछते हैं क्या आपका आशीर्वाद अमित के साथ है, चमचों से 10 तारीख को बात कीजिएगा और उनको अपने चप्पलों से उनके सर पर नवाजिएगा जरूर, जिनको आपने ये कहा है, जिनको आपने टिकट दिया है। हम एक बार बड़ा ईमानदारी से करते हैं इस जिले के, ये स्वाभाविक है, जो सत्य है वो सत्य है, वो हमारे विपक्ष में रहे हैं, लेकिन इस जिले के कद्दावर नेता भी श्री जयप्रकाश नारायण यादव, तो जयप्रकाश नारायण यादव का चप्पल उठाने वाला जब जयप्रकाश नारायण यादव का नहीं हुआ, तो एक बाबा सिंह का रोगी का जो पिकडान उठा रहा है तो उसका हो जाएगा, चिंता मत करो। अगला वर्ष और पिकडान उठाने वाला बाबा सिंह का रोगी सब अगला वर्ष संजय को मुंगेर से भी लोकसभा लड़वा देंगे। जाओ जाओ तैयार हो जाओ, तैयारी करना, और आज से अब जनता के कहने पे हम यलगा कर रहे हैं और कह रहे हैं जब तैयार हो जाइए नीतीश जी, आज आपका यह बेटा आपको यह कह रहा है कि हम आपके खिलाफ सदैव आपकी इज्जत करेंगे, सदैव आपका सम्मान करेंगे, लेकिन आज आपने जो चमचों के कहने पे किया है, इसका जवाब, इस अपमान का जवाब तो हम जरूर देंगे, और वह जवाब हम नहीं देंगे, वो जवाब देगी जमुई जिला की जनता, वो जवाब देंगे अन्य क्षेत्र की जनता। और बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको ये समझ पाना कि आपने ये क्या गलती कर दी है, इस गलती का मलाल तो आपको होगा और 10 तारीख को इस गलती का मलाल जवाब से होगा। मैं निश्चित तौर पे आपसे किया और 12 तारीख को मिलूंगा, आप लोग भी देख लीजिए 11 12 को नीतीश कुमार जी को गुलदस्ता भेंट करने जाएंगे। बस हम अपने वाणी को विराम देते हैं और एक बार फिर से आप लोगों से हम पूछ लेते हैं, कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? कोई गलती नहीं कर रहे हैं ना? चुनाव लड़े ना? कल हम जब सुन हो गए, हम भाव विभोर हो गए, वहां के लोगों ने ना सिर्फ हमको आशीर्वाद दिया, उत्साह दिया, जोश दिया, उन्होंने जब भारी आई हमने उनसे आशीर्वाद मांगा, तो जिस तरह से खोइचा होता है, खोइचा जो उन्होंने किसी ने 100 रुपया किसी ने 50 रुपया करके हमको कल 96,602 रुपया मंच पे हमको उन्होंने दिया चंदा, कि तुम्हें तुम चंदा, अब तुम अब ये चुनाव जो होगा ये चुनाव अब तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि तुम जदयू का टिकट लेके आते तो तुम नीतीश कुमार के अनुयायी बन के आते, अब तुम किसी के अनुयायी नहीं हो, अब तुम जनता के बेटा हो और जनता तुम्हारी चुनाव लड़ेगी, जनता चुनाव लड़ने वाली है, इसलिए मैं जनता के भरोसे हूँ और आप तमाम जो जनता है आप ही जनार्दन है, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर मेरा कार्य अगर हमने अच्छा काम किया होगा, 10 साल आपके बीच में बने रहे हैं, हम हमारे भाई हैं, आज जिस तरह से पैराशूटी उम्मीदवार उतार दिया है, क्या हमको एक बात बहुत तरह की बात होती है, हम खोल के बोलेंगे, हमारे परिवार के लोग याद होगा यहाँ पे कितने साथी भैया मोटरसाइकिल पकड़ लिया, भैया गाड़ी पकड़ लिया, सीट बेल्ट का दिक्कत हो गया,
अंचल में सीओ नहीं सुनता है, ब्लॉक में वीडियो नहीं सुनता है, अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर नहीं देखता है। और जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़ती है, वज्रपात हो जाता है, रोड दुर्घटना हो जाता है, आपके मुआवजे के लिए मैं हूँ, ये मेरा बड़ा भाई सदैव खड़ा रहता है। और आज पैराशूट से उम्मीदवार उतार दिए हैं, जो कि यही के हैं सब लोग। एक जो हमारे यहाँ वो जो फतिंगा